लेकर जो नारा जो लगाए जा रहे हैं एमजेड का। देखिए हम अपनी आंगनवाड़ी बहनों को लेकर यहाँ बैठे हुए, अपनी मांगे कुछ मांगे हैं जो हमारी पुरानी मांगों को लेकर जो पुरानी मांगे हैं को लेकर चल रहे हैं। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले हमारे चार मार मिलने का मानदेय नहीं मिला है आंगनवाड़ी बहनों को, और दूसरी बात आंगनवाड़ी बहनों को दो बच्चों के लिए वजीफा मिलता है और उनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। बीमे की भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है आंगनवाड़ियों को, और जो डीपीओ है हमारे जो डीपीओ हैं जो भ्रष्ट डीपीओ हैं जो हमारी एक आंगनवाड़ी बहन का जिन्होंने मानसिक शोषण किया था, और उनके प्रति हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे हमारा धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो शोषण किया था, जो हमारी आंगनवाड़ी बहन है उनको गलत नीयत से उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग है, मोबाइल वगैरह फोन किए थे। कम से कम एक दिन में 27 कॉले हैं उनकी रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है उनकी। और उनको जब इस पर जांच उनकी रिपोर्ट कराई हम लोगों ने, तो ईडीएम साहब ने उनको दोषी पाया गया। उन्होंने दूसरी जांच में उनको दोष मुक्त कर दिया। बीडीओ साहब ने उनकी दूसरी जांच की थी, उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उनको निर्दोष साबित कर दिया और उस आंगनवाड़ी को दोषी ठहराया। अब हम ये चाहते हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई हो, उसे सस्पेंड किया जाए और यहाँ से उनको भगाया जाए। जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी।